वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज रोहित। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सितंबर मंथ के बेस्ट करंट अफेयर फॉर योर अपकमिंग JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम क्लास 4 एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सितंबर मंथ के बेस्ट करंट अफेयर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। नाउ हाउ टू ज्वाइन, सिंपली आपने टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें एंड डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है ताकि आप तक वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारे सितंबर मंथ का, इंडिया ने खुद को विड्रॉ किया था फ्रॉम रशिया कवकज 2020 मिलिट्री एक्साइज। तो ये मिलिट्री एक्साइज थी, मल्टीलेटरल एक्साइज थी, डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करना था इन्वॉल्विंग चाइना एंड पाकिस्तान, जो 15 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बिटवीन से ड्यूल्ड हुई थी। तो इंडिया ने खुद को इसमें से विड्रॉ किया था। विड्रॉ करने का रीज़न मेन था कि इंडिया चाहता था कि अभी COVID-19 पैंडमिक है तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो ऑफिशियल रीज़न इंडिया ने ये दिया था कि इंडिया ने इसमें खुद को विड्रॉ कर दिया। तो एक्साइज का नाम याद रखना कवकज। इंडिया को आमंत्रण दिया था यानी कि इन्विटेशन दिया था रशिया ने। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने याद रखना जो रशिया में होने वाली थी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज़ ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट द उर्दू लैंग्वेज। तो इसे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया गया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू द्वारा। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पर कौन सी जगह इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। दिस इज द क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेल हाउ मच परसेंट स्टेक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो कितने प्रतिशत सेल स्टेक बेचने का डिसीजन लिया है हमारी भारतीय सरकार ने। सो करेक्ट आंसर इज 15%। ओके, एंड इसको बेचने के बाद 5000 करोड़ रुपीज़ का जो अमाउंट रेज किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। ओके, एंड चेयरमैन कौन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के, आर माधवन, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ शेयर किया, हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलुरु में। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20। तो 500 विकेट लेने वाले T20 क्रिकेट में फर्स्ट बॉलर कौन बन चुके हैं, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ड्वेन ब्रावो। ओके, ये आपने याद रखना है इनका नाम, एंड जेम्स एंडरसन का नाम भी ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो पेसर बने फास्ट बॉलर इंग्लैंड के जिन्होंने 600 विकेट्स लिए इन टेस्ट क्रिकेट, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। सो ड्वेन ब्रावो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये कुछ डिटेल्स, किसका विकेट लिया ये आप याद रख सकते हैं। ओके, चैडविक बोसमैन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, काफ़ी रिनोड पर्सनैलिटी। तो आपको यही बताना था कि इनकी रिलेटेड फील्ड आपको ये बतानी थी इस क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर इज एक्टर। इन विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट फर्स्ट बना टू एक्वायर द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस, प्रतीक्षा को एक्वायर करने वाला मैरीन एम्बुलेंस कौन सा स्टेट बना, ये आपने बताना है। सो द स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। एंड गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट केरल, ये आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं या जो प्रोजेक्ट्स केरल सरकार द्वारा स्टार्ट किए गए, ये आप याद रखेंगे। एंड गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूर मैं शेयर करूंगा। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करना है, काफ़ी टाइम कम रहा है हमारे JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। देखो गाइस, अब लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर अगर आप अभी पर डे करने वाले हो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि सारी चीज़ें आप कर पाएँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सो इस चीज़ का सोल्यूशन आप हमारे इस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से उठा सकते हो, इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नाउ लिसन इट केयरफुली, कैसे आपकी ये हेल्प करने वाला है। देखो गाइस, हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया जा रहा है इस ग्रुप में ताकि आप लोगों को करंट अफेयर सेक्शन एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स हम इस पर काम कर रहे हैं, एंड पर डे आपके लिए 40 क्वेश्चंस का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। नाउ 15 अगस्त को हमने इसकी शुरुआत की थी, 15 अगस्त से भी पहले ही हमने इसको शुरुआत कर दिया था, एंड ऑलमोस्ट अब 2 मंथ्स हो चुके हैं इसको हमने स्टार्ट किए हुए। इसमें अराउंड 2200 क्वेश्चंस आपसे आपका टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करवाया जा चुका है। नाउ अब आपको इसका बेनिफिट कैसे उठाना है गाइस, लिसन,
अब आपको अगर हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप करना है, इसको ज्वाइन करना है, इसकी नॉर्मल सी फीस 99 रुपीज़ फीस रखी गई है। अब आप अगर ज्वाइन करोगे तो जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उनका उनको भी आप एसेस कर सकते हो। ओके, विद शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम आप ज़्यादा इफेक्टिव वे में सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो विद अवर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। अब डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स शेयर करूँगा कैसे पे करना है, सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा एंड इसका बेनिफिट उठाइए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए। नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन सोशल एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत, इनका नाम आपको याद रखना है, इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया टू हेल्प पीपल रिलेटेड टू एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो इस टोल फ्री नंबर ये रहा एंड इस जो इस हेल्पलाइन नंबर का नाम है किरण। नेक्स्ट इज थरंगा पुरनवीताना अनाउंस रिटायरमेंट, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आपको बताना कि कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, तो करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैज अनाउंस हाउ मैनी न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो हाउ मैनी न्यू सर्कल्स, सो टोटल 7 सर्कल्स वर आइडेंटिफाइड। ओके, एंड कौन कौन से सर्कल्स हैं यहाँ मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एयर लक्ष्मण पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू, सो ये थे जी हमारे इस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका COVID-19 की वजह से निधन हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्राइज मनी दी जाती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स को वो बढ़ा दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो विनर रहता है हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा जिन्हें सम्मानित किया गया क्रिकेट फील्ड में, लाइक 7.5 लाख रुपीज़ दिए जाते थे इससे पहले, नाउ इसे बढ़ा के 25 लाख रुपये कर दिए गए। अर्जुन अवार्ड जो विनर जीता था उसको 5 लाख रुपये दिए जाते थे, नाउ 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी में 5 लाख से 15 लाख कर दिए गए। ध्यानचंद अवार्ड जो जीतेगा उसे 10 लाख रुपये दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 5 लाख रुपीज़, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, वेस्ट स्टेट विल होस्ट द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, नाउ फर्दर इसे पोस्टपोन कर दिया गया, नवंबर मंथ में होने थे बट अब नवंबर मंथ में भी नहीं होंगे, अब अगले साल होंगे जनवरी में। तो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, गोवा करेगा। ओके, IIT अलुमनी काउंसिल हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर इन इंडिया, तो कौन सी कंट्री के साथ समझौता हुआ, द कंट्री इज रशिया। नेक्स्ट इज हु हैज बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन टू हिट नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन। पिक्चर से उनको आपने पहचान लिया, एग्जैक्टली जेफ बेजोस। एंड ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं डेली आपसे पूछता हूँ तो उनके आंसर्स आपको इस PDF में मिल जाएंगे। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, इनका निधन हो गया जी, आपको बताना है कि ये इनको भारत रत्न कौन सी ईयर में सम्मानित किया गया था, बाकी डिटेल्स यहाँ आपको स्लाइड में मिल जाएगी, कब से कब तक थे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, नूर इनायत खान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद ब्लू प्लग इन विच कंट्री, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड किंगडम। ओके, अब इनके बारे में डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी, अब क्यों दिया गया सब कुछ यहाँ शेयर किया गया। ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेज पर मंथ अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सर्वे कंडक्टेड बाय PCODY.com, सो हमारा रैंक रहा जी 72nd नंबर पे। ओके, अब इसमें क्या था कि एवरेज मंथली इनकम कितनी है ऑल ओवर द नेशन वाइज देखी जाती है, तो 32,800 पर मंथ। ओके, तो ये आपने याद रखना है, एंड टॉप इसमें स्विट्जरलैंड ने किया। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन अगस्त आफ्टर 44 ईयर्स बाय रिसीविंग 25% मोर रेनफॉल देन एवरेज, तो 25% रेनफॉल ज़्यादा हुआ अगस्त मंथ में। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन है, इज ऑल्सो नोन एज द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, हिज नेम इज मृत्युंजय मोहपात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीच इसका नाम होगा रिसोर्स इन्हांसमेंट अकेडमी फॉर कैरियर हाइट्स, ये कौन से इंडियन स्टेट में बनेगा, केरल स्टेट में बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओके, ये कुछ डिटेल्स, बॉब ब्रैन एंड माइक ब्रैन, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जी। आपको ये बताना था कि कौन से एसोसिएटेड फील्ड बतानी थी, स्पोर्ट बताना था आपने, तो टेनिस इज द करेक्ट आंसर। ओके,
इंडिया एंड रशिया जॉइंटली विंस FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियड. ओके, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ये जीत लिया है. जॉइंटली विनर डिक्लेयर किया गया था. इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया तो इस वजह से दोनों कंट्रीज़ को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था. ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर पेट डॉग्स. तो पेट डॉग्स के लिए कौन सी कंपनी ने इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है? सो ये है बजाज अलायंस. ओके, विच स्टेट विल कमेंस द सी प्लान सर्विसेज फ्रॉम 31st October 2020? जिस दिन हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर जिनका जन्मदिवस होता है. Exactly. Correct answer is Gujarat. Next is, which of the following state has launched Major Dhyan Chand Vijaypath Yojana? तो कौन सी state द्वारा start की गई on the occasion of 29th August, जिस दिन National Sports Day होता है हमारा, जन्मदिवस होता है Major Dhyan Chand जी का. So correct answer is UP. अब इस योजना के तहत होगा क्या, डिटेल्स यहाँ सारी आपको मिल जाएंगी जब आप PDF डाउनलोड करोगे. एंड गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ शेयर कर दूँ. लेट मी क्लियर वन थिंग, आपको जो PDF मिलने वाली है वो बेस्ट PDF रहने वाला है, जिसमें मैं आपको 350 करंट अफेयर का बेस्ट कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा आज के ही वीडियो में. यानी कि ये पार्ट वन रहने वाला है. इसमें मैं देखो, मेरी डिक्शनरी में बेस्ट कुछ नहीं है. 100 करंट अफेयर मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप 100 करंट अफेयर कर लो, आपके सितंबर मंथ के करंट अफेयर हो जाएंगे. दिस इज़ द प्रोसेस. सारी चीज़ों को आपको करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर किस पॉइंट से क्या कनेक्ट करके आपसे क्या चीज़ पूछ दे उसे हमें कोई भरोसा नहीं है. तो दिस इज़ द रीज़न आपको सारी चीज़ें करनी है. ओके, तो आपको जो PDF का जो लिंक मिलेगा लाइक टेलीग्राम पर, आपको उसमें बेस्ट 350 करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा. वो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. CISF डेवलप है मोबाइल ऐप जिसका नाम रखा गया पेंशनर कॉर्नर. तो आपको ये बताना है कि DG कौन है CISF के, ये क्वेश्चन आपने बताना है. ऐप का नाम तो आपने याद रखना ही रखना है. ऐप का नाम है पेंशनर कॉर्नर. सो इसके जो DG हैं वो है राकेश अस्थाना, BSF के बने अभी. के नटराजन भी आप जानते हो इंडियन कोस्ट गार्ड के. एम मनोज मुकुंद नरवने, ये भी आप जानते हो इंडियन आर्मी के. ओके, द फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ एस ट्रंप ए डिफेंस विल बी डिलीवर टू इंडिया बाय द एंड ऑफ 2021 बाय विच ईयर. तो कौन सा कंट्री से डिलीवर करेगा हमारे इंडिया को? सो ये करेगा जी रशिया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज अ मंथ ऑफ न्यूट्रिशन और पोषण माह. तो कौन सा महीना ऑब्जर्व किया जा रहा है? ऑफकोर्स सबको बताइए, सितंबर मंथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, मंथ ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, कौन सी कंट्री ने हमारे इंडिया को 3500 करोड़ का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था फॉर COVID-19 क्राइसिस? तो ये किया था जी हमें जापान ने. ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जिसे डेवलप्ड बाय CSIR CMERI द्वारा लाइक इंस्टॉल किया गया, कौन से इंडियन स्टेट में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. ओके, मेडबोट मेडिकल ट्रॉली से बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट. तो ये बनाया गया जी हमारी इंडियन रेलवे द्वारा. सो इंडियन रेलवेज इज द करेक्ट आंसर. ओके, स्कूबी डू को क्रिएटर जॉय रूबी, इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे. ओके, कांग्रेस MP हरिकृष्ण वसंत कुमार पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19, ये आप याद रखेंगे. एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द 17th लोकसभा फ्रॉम कन्याकुमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु, इनका निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st to 15th September. ओके, मीन क्लीननेस होप इट डज एड यू. तो आपको ये बताना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए. तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आपके लिए. DVS सदानंदा गौड़ा इज द करेक्ट आंसर. ओके, राजीव कुमार टेक चार्ज एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे. अशोक लावासा जो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के. ओके, रिलायंस वेंचर लाइक रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया जी लाइक फ्यूचर ग्रुप को, फ्यूचर ग्रुप के जो बिग बाजार्स वगैरह हैं. तो ये जो एग्रीमेंट हुआ फ्यूचर ग्रुप में, तो देर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अदर कैटेगरीज में, बट जो ये बिग बाजार जहाँ वॉलमार्ट देखते हो बिग बाजार के, तो वो रिलायंस ने एक्वायर कर दी. ओके, तो कितने का ये एग्रीमेंट हुआ जी? ये हुआ जी 24,713 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ
एंड फाउंडर एंड सीईओ फ्यूचर ग्रुप के हैं किशोर बियानी, इनका नाम आप याद रखेंगे। एयरलाइंस के बारे में तो आप जानते ही हो, हमारे देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन अंबानी जी। ओके, डॉक्टर पीएस पद्मावती, शिवराम कृष्णा आयर, इनका निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया की फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे हार्ट की डिजीज़ को देखती हैं, ओके, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियो बोलते हैं, तो इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे। बाकी देखो गाइस, मैं जैसे आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें फिर रिवाइज नहीं करवाऊंगा, बट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस पीडीएफ में। एंड लाइक गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी ये जाने जाती थी, तो इनको सम्मानित पद्मा भूषण से भी किया गया, पद्म विभूषण से भी किया गया, तो डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ डॉक्टर पद्मावती। ओके, हु हैज वॉन बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020, किसने जीत लिया ये आपने बताना है। सो ये जीता था जी लुइस हैमिल्टन फ्रॉम यूके, मर्सिडीज ड्राइवर। ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। ओके, तो इनका नाम है जी पीसी मोदी। वाईसी मोदी हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, अजीत कुमार सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के, राजीव कुमार बिल्कुल आप जानते हो ये अभी लाइक इलेक्शन कमिश्नर बने। ओके, सो पीसी मोदी इज द करेक्ट आंसर। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021, फर्स्ट एवर इंडिया होस्ट करेगा इसे, इट विल बी होस्टेड बाय दिल्ली मुंबई एंड बैंगलोर। आपको बताना कि प्रेसिडेंट कौन है सीएफआई की, यानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो द प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज परमिंदर सिंह दिनसा। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल माई बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। सो इस बुक के ऑथर हैं जी करण जौहर। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बने, अविक सरकार। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी स्टूडेंट्स डेवलप लॉन्च एन एयर स्कैनर ऐप फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, लाइक इट वर्क लाइक कैम स्कैनर, जैसे कि अब चाइनीज ऐप जो प्रतिबंध हो चुका है बट स्टिल इट इज रनिंग। ओके, आपके फोन में अगर कैम स्कैनर, इट इज स्टिल वर्किंग, इवन आई ऑल्सो हैव कैम स्कैनर बट आई एम नॉट यूजिंग। सो ये एयर स्कैनर किसके द्वारा बनाया गया, कौन सी लाइक आईआईटी के स्टूडेंट, आईआईटी बॉम्बे, रोहित कुमार चौधरी एंड कवीन अग्रवाल इनके नाम है। ओके, हु हैज बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो कौन बने न्यू सीईओ ये आपने बताना है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट डेयरी टू इंक्लूड इन टॉप 20 इन रैबोबैंक ग्लोबल लिस्ट। सो कौन सी इंडिया की फर्स्ट डेयरी बनी है जो टॉप 20 में इंक्लूड हुई है, तो ये डेयरी बनी है जी अमूल, दूध पीता है इंडिया, या डेट इज अमूल, विद एनुअल टर्नओवर ऑफ 5.5 बिलियन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज अवार्डेड द 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 19th एडिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी समिट, तो किसे सम्मानित किया गया, कौन से एयरपोर्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है जी हमारा हैदराबाद एयरपोर्ट। ओके, हु हैज लॉन्च द न्यूज़पेपर नेम्ड द यंग माइंड्स, आसाम में इसे लॉन्च किया गया, लाइक बेसिकली फॉर द किड्स, छोटे बच्चों के लिए ये न्यूज़पेपर, इन्हें दो लाइक जर्नलिस्ट द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, तो दो का मतलब आप समझ गए, नीलम सेठिया एंड नेहा बजाज इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ एंड बी। ओके, हु हैज बिकेम द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन पासिंग मार्क जुकरबर्ग, फर्स्ट नंबर पे आप जानते हो जेफ बेजोस, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स एंड थर्ड नंबर पे बन चुके हैं हमारे इलॉन मस्क, स्पेसएक्स एंड टेस्ला के मालिक, इलेक्ट्रिक कार टेस्ला एंड स्पेसएक्स, इलॉन मस्क इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु हैज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च वॉइस चैट बोट लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसे स्टार्ट किया गया ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा, जिसके CMD हैं NS कनन। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस जैसे डेली पूछता हूं मैं आपसे, वो आपको इसमें बेनिफिट रहेगा। दो UTs भी इंक्लूड की कर दी गई वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम है, तो आपको ये बताना है कि इसकी डेडलाइन कौन सी है। अराउंड 26 स्टेट्स एंड UTs इंक्लूड हो चुकी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी हुई हैं, बिकॉज हर एक महीने बाद एक हो ही रही है, बट आपको डेडलाइन पता होनी चाहिए 31 मार्च 2021 तक इसे लाइक सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग UTs इनको वन राशन वन नेशन के साथ जोड़ देने का लाइक अनाउंसमेंट है, तब तक टारगेट है बेसिकली।
ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हर नेम इज उषा पादे. ओके, अब बाकी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, विनी महाजन ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी पंजाब की, नूपुर कुलक्षेत्रा फर्स्ट डीआईजी बनी है इंडियन कोस्ट गार्ड की, ये आपको याद रखना है. देन उसका मैरी जैक्सन, ये नासा अपने हेडक्वार्टर्स इनके नाम पे रखने वाला है. एंड गाइस ये सारी चीज़ें देखो, अगर आप डेली पढ़ते आ रहे हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो वही चीज़ है ना सारा, एक दिस इज़ अ प्रोसेस, आप सडनली कुछ चीज़ें नहीं कर सकते. तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, सो अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या करने वाले हो, सो इट्स द प्रोसेस. आपको ऑलमोस्ट 6 महीने तो आपको डेली करना ही पड़ता है, दिस इज़ द बेस्ट वे. बाकी आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आप इंस्टेंटली करना चाहते हो तो मैं आपको लाइक प्रीमियम ग्रुप के बारे में बता चुका हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन, तो ये स्टार्ट किया है एज़ यूजुअल. वेल नॉट यूजुअल, इट्स मध्य प्रदेश. वैसे मैक्सिमम योजना है मध्य प्रदेश ही स्टार्ट करता है. एंड एक चीज़, अगर आपको नहीं आता होगा कुछ, अगर जैसे कैंपेन नहीं पता हो, तो अगर आपको तुक्का मारना हो तो यू कैन गो फॉर मध्य प्रदेश. मे बी लाइक 30% चांसेस, नॉट 30, इट्स 70% चांसेस है कि मध्य प्रदेश ही होने वाला है. अब हमारी कश्मीरी डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी हैं. फाइनली बिल भी पास हो चुका है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है, ये क्वेश्चन सबको पता है बिल्कुल, मनोज सिन्हा. मनोज आहूजा चेयरमैन है सीबीएसई के. रजनीश ओसवाल, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइक जज बने थे जिन्हें अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शपथ ली थी. रंजन प्रकाश देसाई, जो डीलिमिटेशन कमेटी बनी है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसको हेड कर रहे हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर है मनोज सिन्हा. हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लाइक नॉट सीईओ, इन्हें सीईओ बनाया गया ऑफ इंडियन रेलवे. तो किसे बनाया गया, चेयरमैन तो है ही है, नाउ सीईओ भी बन चुके हैं, वीके यादव. जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्चेस वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट, जिसमें जो भी अच्छा काम करेगा वीडियो शूट करके अपलोड करेगा, अगर कोई अच्छा काम किया होगा वाटर को बचाने के लिए, तो उनको अवार्ड दिए जाएंगे. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गजेंद्र सिंह शेखावत बताना, जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है. सो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी जोधपुर, राजस्थान. ओके, हरिद्वार उत्तराखंड, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रमेश पोखरियाल निशांक की. चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी की. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द प्रेसिडेंटल ईयर्स, सो इस बुक के ऑथर थे जी, दिसंबर मंथ में इसे रिलीज होगी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज स्टार्टेड वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन कॉल्ड ओम उत्सव, सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय ICICI बैंक. संदीप बख्शीज, MD एंड CEO. ऑन विच द वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड, केरल इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, सो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 सितंबर को. ओके, विच स्टेट हैज अनाउंस टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट एंटी पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, सो लाइक बिजली की चोरी रोकने के लिए एक सेपरेट पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा कौन से स्टेट ने अनाउंसमेंट किया, द स्टेट इज UP. ओके, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड केरल जॉइंटली आइडेंटिफाइड सिस्टमस ग्रेसिलस, तो वैसे ऑलरेडी पिक्चर है तो ना हो कभी आपको मत लाइक मुश्किल नहीं होने वाली आंसर करने में, बिकॉज इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ फिश. ओके, आई एम सॉरी कि पिक्चर भी ऑलरेडी है, बट आपको याद रखना है सिस्टमस ग्रेसिलस, ये क्वेश्चन आपके लिए था, बट इसकी पिक्चर ऑलरेडी है, बट एग्जाम में पिक्चर नहीं मिलेगी, तो आपको याद रखना है फिश की स्पीशीज़ है. पुंटियन सेंक्टस, उसका नाम भी याद रखना है, वो भी एक फिश की स्पीशीज़ है. ओके, यहाँ मैंने शेयर किया हुआ है, आई नो, ठीक है, ये तमिलनाडु में इसकी लाइक जो डिस्कवरी हुई थी, फाउंड हुई थी. ऑन विच डे इंटरनेशनल चैरिटी डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल टीचर्स डे भी होता है हमारा ये, तो 5 सितंबर को. ओके, सो गाइज डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. पार्ट फर्स्ट रहेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सारा प्रोसेस, आपको बेस्ट करंट अफेयर तो मैंने इसमें शेयर किए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया मेरी डिक्शनरी में मैं 100 करंट अफेयर या 200 करंट अफेयर का बिल्कुल नहीं मैं उस पर रिलाई करवाना चाहता आपको. सो अब आपको करना क्या है कि आप मंथली वीडियोज़ का जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं. क्योंकि एग्जामिनर का आपको क्या भरोसा कि क्या वो पूछ दे आपसे, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने बेस्ट बोला था फिर आया नहीं बेस्ट, क्योंकि मैं तो आपके लिए डेली हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं तो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं भी ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ कि सर आपने 10 दिन में एक बार वीडियो प्रोवाइड कर दिया 10 दिन के बेस्ट करंट अफेयर. नो, मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ, डैट मीन मैं आपको डेली जो करंट अफेयर मैं करवाया हुए हैं डेली, वो आपको डेली हर क्वेश्चन को लेके चलना है साथ. ओके,
अब एक साथ तो 6 महीने के नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आप मंथली वीडियोस का रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, कंपाइलेशन के लिए भी लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो 69 रुपीज़ में है। अगर आप पे नहीं करना चाहते, फ्री लेना चाहते हो, आप मंथली वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। उस कंपाइलेशन को पढ़ के, रिवाइज करके, उनका टेस्ट देना है तो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, खुद को टेस्ट कीजिए। तो यही है होता है प्रोसेस, दिस इज द बेस्ट वे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड खासकर JKSS में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ गया, बिल्कुल कुछ ही दिन रहे, तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड सी यू सून।